आज मैं थ्रेसर का सेटिंग करवा रहा हूँ, दो दो ऑपरेटर सेट करते हुए। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, देखते हैं सेटिंग। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पैरा में धान क्यों जाता है इसके सेटिंग के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, कहां कहां से समस्या हो सकती है पैरा में धान जाने का। तो आज मैं अपना थ्रेसर को खुलवाया हूं, इसमें भी सेटिंग का ज़रूरत था, इसलिए आप लोगों को अभी तक एक डिटेल वीडियो बनाऊं और बताऊं कि कहां कहां से समस्या हो सकती है पैरा में धान जाने का। तो चलिए देखते हैं, घूम जा। मेन समस्या तो ये है पैरा में धान जाने का कि अक्सर पुराने थ्रेसरों में क्या होता है कि इसका जो बोल्ट है घिसा हो जाता है, घिस जाता है, मतलब घिसने के चलते क्या होता है कि झाड़ नहीं पाता है अच्छे से धान को। उसके चलते भी क्या होता है कि यहाँ से शुरू से ही बोल्ट झाड़ नहीं पाएगा, फिर वो घूमते घूमते लास्ट तक ऐसे निकल जाता है। तो सबसे पहले तो इसको इसे ही करना है कि जो बोल्ट है, जो सामने वाला बोल्ट है विशेषकर, इसको तो हमेशा चेंज करते रहना है और देखते रहना है कि घिसा तो नहीं है। घिसा, अगर घिसा होगा बोल्ट तो उसको एकदम चेंज ही कर देना है। ऐसे में क्या होता है, जो सामने जो चार पांच बोल्ट है जो सामने का दिख रहा होगा, इसी में मेन पैरा को झाड़ता है वो। तो हमेशा वहाँ पे हमेशा नया बोल्ट ही लगा के रखें। तो क्या होता है कि हमें जब भी धान को डालेंगे तो तुरंत तो पैरा को झाड़ देगा वहीं पर, वो आगे नहीं जा पाता है और नीचे जाली से नीचे चला जाता है धान। उसी में आगे पैरा जा, मतलब धान जाने का समस्या नहीं रहता है। और पीछे वाला जो बोल्ट है उसको हमेशा, वो जो घिसा हुआ बोल्ट है उसको हमेशा पलट देना चाहिए, और ज़्यादा घिस गया है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। देखिएगा, दिखाऊंगा अभी मैं बोल्ट को कैसे घिसा है पीछे वाला, उसको देख सकते हैं, उसको घुमा दीजिएगा। और जिधर से बोल्ट, जिधर से मतलब पैरा झाड़ता है, घूमता है, उधर उस साइड में हमेशा जिधर नहीं घिसा होगा वो बोल्ट को घुमा के उसको सेट कर देना चाहिए। और देखिए पूरा सेट कर रहे हैं घुमा घुमा के पूरा। उसमें क्या होता है कि जिधर से घिसा है वो पकड़ नहीं पाता है पैरा को, अगर नहीं पकड़ पाएगा तो फिर वो बिना झाड़े ही पैरा को निकालते रहेगा और धान जाते रहेगा उधर से। इसलिए हमेशा ध्यान रखें इस बात का कि जो बोल्ट है उसको हमेशा सीधा रखें, सही रखें, मतलब जो घिसा नहीं है उधर से उसको सेट करके रखें हमेशा। ऊपर सेट कर दिखाऊंगा अभी मैं आप लोगों को, देख लीजिएगा थोड़ा सा सामने से। अब जाली को भी देखते रहना है, जो जाली है नीचे जो ड्रम जाली है उसको भी हमेशा देखते रहना है, अगर वो घिसा तो नहीं है। वो घिसा रहेगा फिर भी वो दाने को अच्छे से झाड़ नहीं पाएगा धान को, तो उसमें भी जाने का संभावना रहता है कि वो झाड़ नहीं पाता है, वो ऐसे निकल जाता है। तो इसमें मैं अपना थ्रेसर में पूरा सामने वाला जो बोल्ट है, बड़ा वाला बोल्ट, उसको तो एकदम चेंज ही करवा दिया हूँ। देख सकते हैं पूरा नया बोल्ट लगा है, जो पाँच सेट है, जो चार या पाँच लाइन है उसको पूरा नया में लगवाया हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं पूरा बोल्ट घिसा हुआ है उस साइड का, तो उसको मैं घुमा के उसको सेट करवा रहा हूँ ताकि जिधर से घूमता है ड्रम में उसमें वो या तो उसको चेंज कर दें, नहीं तो फिर धान को अच्छे से लपेट के नहीं झाड़ पाएगा। सभी बोल्ट को ऐसे सेट कर दें जैसे सेट कर रहे हैं वैसे। तो ऐसे में क्या होता है, पूरा पैरा जो है इसमें फंसेगा, पूरा लपेट के उसको झाड़ेगा अच्छे तरह से, फिसलने नहीं पाएगा, ज़्यादा घूमता रहेगा, नहीं तो फिर घिसा हुआ बोल्ट रहेगा तो उसमें पैरा अच्छे से फंस नहीं पाएगा और तुरंत तो फिसल के वो क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, उसे उसके साथ में दाना भी चला जाएगा, दाना भी बाहर लास्ट तक निकलते रहेगा उसी तरह से होते हुए। ये बीच जो जाली है उसमें वो नहीं झाड़ पाएगा अच्छे से दाना को, तो वैसे निकलते रहेगा। इसलिए अच्छा है कि उसको या तो चेंज कर दें या तो फिर वो बोल्ट को पूरा घुमा घुमा के उसको अच्छे से सेट कर दें जिधर से झाड़ता है उधर से। और ज़्यादा जो सामने बोल्ट है उसको तो हमेशा चेंज ही कर देना चाहिए।
खोल के अच्छे से किसान भाई यही छोटी छोटी गलती करते हैं। यदि छोटा घिसा हुआ बोल्ट इस टाइप से इसको समझ नहीं पाते और क्या होता है उसी के चक्कर में पूरा धान क्या होता है पैरा में जाना शुरू कर देता है, तो लगता है कहीं सेटिंग वेटिंग हो गया है करके आदमी परेशान हो जाते हैं। लेकिन यही छोटी छोटी जो गलतियां हैं इसको हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि इसमें सब धान भी साफ निकलेगा और अच्छे से झाड़ेगा भी पैरा भी साफ निकालेगा, धान जाने का कोई शिकायत नहीं आएगा। बढ़िया टाइट करना जम जमा के ना, बढ़िया टाइट करना जम जमा के। साथ में ही आरपीएम का भी कमाल रहता है, हम लोग को ट्रैक्टर को कितना आरपीएम में चलाना चाहिए इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए देख सकते हैं जैसे महिंद्रा ट्रैक्टर है इसके लिए लगभग 1400 या 1450 1500 आरपीएम तक अधिकतम लेके जाना चाहिए, और स्वराज सब है उसको लगभग 12-13 तक चलाना चाहिए। उससे ज़्यादा आरपीएम में चलाएंगे तो फिर प्रेशर के चलते भी धान क्या होता है कि प्रेशर के चलते भी धान उधर से खींच के पैरा तरफ से बाहर फेंक देता है, इसलिए ज़्यादा आरपीएम में चलाने का ऊपर वो कोशिश नहीं करना चाहिए। देख सकते हैं कैसे टाइट करवा रहा हूँ मैं बोल्ट को अच्छे से, पूरा सेटिंग पूरा बोल्ट घिस गया था पीछे साइड का, सामने साइड का तो मैं बोल्ट को पूरा चेंज कर दिया है। इधर देख सकते हैं इधर वाले जो सामने वाले जिससे डालते हैं ये देख सकते हैं पूरा बोल्ट को मैं चेंज ही कर दिया हूँ, नया बोल्ट पूरा लगा हुआ है। और पीछे साइड का बोल्ट को पूरा जो घिसा था उसको पलटवा दे रहा हूँ, कहना चाहिए उसको घूम इधर घिसा है उसको पलट के जिधर नहीं घिसा है उस साइड का ऊपर सेट करवा रहा हूँ। हाँ घुमा दिया पूरा इसे। वैसे में क्या होता है कि पूरा जितना पैरा में धान जाने का समस्या रहता है वो लगभग लगभग ख़त्म ही हो जाता है कहिए, काहे कि उसमें अच्छे से फंसा के वो पूरा झाड़ देता है जाली में ही, बाहर नहीं निकल पाता उस साइड में। ये सब है छोटी छोटी बातें थ्रेसर के सेटिंग में देख सकते हैं। बाकी और कई भी रीजन है जाने का, क्या होता है आरपीएम का भी वो रहता है, ज़्यादा आरपीएम में चलाएंगे तो प्रेशर के साथ धान जाने का शिकायत रहता ही है, इसलिए आरपीएम को हमेशा ध्यान में रखें। यही छोटी छोटी बातें हैं, ये सब को ध्यान रखेंगे तो किसान भाई वो कभी भी पैरा में धान जाने का शिकायत नहीं रहेगा। और चैनल में नए हैं तो ऐसी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी जानकारी मैं आप लोगों को बता सकूँ। धन्यवाद।